एक बात बताओ, जी उस दिन उस रात क्या हुआ था? जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बनके तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूं। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई। क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ था। एक बात पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। जब से असवंत भाई और हरीम की शादी हुई है, तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। वजह क्या है? वजह आप जानते हैं फराज। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी लौट करूँ? थैंक यू सर। एक चिकन पनीर कर दो, एक पेरी पेरी चिकन कर दो, और साथ में एक पानी के बॉटल, स्मॉल वाटर कर दी। स्मॉल वाटर। थैंक यू। बताओ, फराज, हरीम का इस घर में आना मुझे परेशान कर रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। और ऊपर से तुम्हारा ये बदलता हुआ रवैया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें सवाल जवाब के बगैर भी तो समझी जाती है ना फराज। शायद, लेकिन हालात कुछ और होते हैं। जिन हालात के आप शिकार हुए हैं वो कयामत मुझ पे भी गुजरी है फराज, और अल्लाह ताला ने आपको और मुझे इस जायज रिश्ते में जोड़ा है, और ये इसी रिश्ते की ताकत है कि आपके साथ रहते रहते मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको मुझसे छीन ले। कौन छीनेगा मुझे तुमसे? मैं तो खुद जानती हूँ, आप तो खुद मुझसे दूर चले जाना चाहते थे। खैर, वो आपका फैसला था। मैं अब आपको बहुत खुश रखना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते में हमें किसी हादसे ने नहीं बल्कि कुदरत ने बांधा है। लेकिन मुझे आपसे डर भी लगता है, जाने कब आप इस रिश्ते को खत्म कर देंगे। मैं अब अपने हर डर से निकल जाना चाहती हूँ, हर अपने खौफ को शिकस्त दे देना चाहती हूँ। लेकिन ये सब कुछ आपके साथ के बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आपको मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं हुई?